हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। बाजपुर पुलिस ने बिना अनुमति के राजनीतिक पार्टी द्वारा लगाई जा रही प्रचार सामग्री को जब्त कर FST टीम को सौंपा। वहीं पुलिस को देखते ही प्रचार सामग्री लगा रहे लोग फरार हो गए। वहीं पुलिस और FST टीम ने 1 लाख रुपए की नकदी को भी जब्त कर लिया। बता दें कि बाजपुर के नैनीताल रोड पर कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक पार्टी के झंडे लगाने का काम किया जा रहा था। प्रचार सामग्री लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में झंडों को जब्त कर लिया, जबकि पुलिस को देख प्रचार सामग्री लगा रहे लोग फरार हो गए। एक वाहन पे प्रचार सामग्री जा रहे थे, तो सूचना प्राप्त हुई कि सामग्री जो है बिना अनुमति के जा रहे, तो हमने तत्काल पुलिस और जो हमारी FST टीम है उसको निर्देशित किए कि तत्काल सामग्री वो जब्त कर रहे, जब्त करके आवश्यक कार्रवाई करें। तत्पश्चात जो हमारी FST टीम है और पुलिस के द्वारा उस सामग्री को जब्त कर दी गई, और जो सामग्री ले जा रहा था वो शायद भाग गया। और जो रकम की बात है, तो कल पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी वहाँ बॉर्डर पर, तो वहाँ कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लेके जा रहे थे, तो तत्काल उन्होंने सूचना दी और FST को भी सूचना दी। FST भी गई और उनसे कागजात मांगे, प्रपत्र की कहाँ से पैसे लाए जा रहे हैं, वो प्रपत्र नहीं दिखा पाए, तो उस पैसे को जब्त कर लिया गया, जब्त करके कृषि में जमा कर दी जा रहा। अभी जो FST ने दी उसमें झंडे थे, अब झंडे में उन्होंने डिटेल नहीं दिया कि किस पार्टी के हैं, लेकिन ये जो झंडे दिख रहे हैं वो प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी के। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।